देख सकते गाइस अभी कितना अच्छा देखने में लग रहा है। गाइस बहुत अच्छा अंदर का नजारा है गाइस, अब देख सकते हैं कितना अच्छा बना रखा है ऊपर। सही गाइस, तो आगे दिखाते हैं। अच्छा अच्छा सही गाइस, ये नील मंदिर के सामने एटीएम भी दे रखा है और ये इधर बहुत सारे दुकान भी, जो छोटे मोटे दुकान। और यहाँ पे कृष्ण जी का मूर्ति कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ जोड़ लो, राधे राधे कर देना, सब कमेंट में राधे राधे कर देना है। क्या नजारा है गाइस, अभी चलते हैं। देख सकते गाइस अभी कितना अच्छा देखने में लग रहा है। श्री कृष्ण जी का मंदिर कितना अच्छा नजारा है। श्री कृष्ण जी का मंदिर नीलकंठ का मंदिर देख सकते, छोटा छोटा मार्केट भी लग रखा है और सामान वामान आप ले सकते हैं। आ सर आएंगे तो गाइस नहीं गाइस, अभी हम आ रखे हैं। अभी यहाँ से एंट्री गेट है नील गए और ये बच्चा देख रहा है। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हाथ हिला दो। एंट्री गेट है गाइस, यहाँ से हम लोग टिकट ले रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा देखने को लग रहा है नीलकंठ का मंदिर। अभी यहाँ फोटो शूट कर रहा है गाइस, ये अंदर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे लोग हैं अपना फोटो शूट करवा रहे हैं अपने टीचर के साथ। लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है देखने के लिए, देख सकते हैं। यहाँ से फिर एक गेट आ गया है, देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर चलेंगे। तो नीलकंठ का अंदर का नज़ारा कुछ अलग ही है। इसका एक आदमी का टिकट है 160 रुपीज गाइस। देखिए गाइस, अभी हम चल रहे हैं अंदर, कितना अच्छा बन रखा है नीलकंठ का मंदिर, आप देख सकते हैं गाइस। चलिए अभी चलते हैं गाइस, फिर हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ पर एक आदमी का 160 रुपीज लगा है टिकट आने का, और बच्चे का 90 रुपये लगता है आने का यहाँ पे। भगवानों को जैसे कृष्ण जी का भगवान का मूर्ति मिल रहा है, देख गाइस। और यहाँ पे बच्चे लोग आ रहे हैं गाइस, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर भी हर भगवान है, बहुत तरह तरह के भगवान है। कृष्ण जी को देख सकते हैं आप, कितना अच्छा मूर्ति बनाया गया है यहाँ पे।
ये सरस्वती जी का मूर्ति बना रखा है यहाँ पे, देखने में अच्छा लग रहा है। तो यार जब आप फिर आगे आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए इतना ही, के लिए बने रहे भाई।